हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है छठी के दिन का ब्लॉग। सारे ब्लॉग मेरे लेट जा रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गई थी अभी बीच में, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारे ब्लॉग्स डाल दूँ। तो पहले ये है छठी के दिन का ब्लॉग। तो मैंने इनको सबसे पहले, मैं तो उनको रोज साफ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़े काले हो जाते हैं, अष्टधातु के तो थोड़े काले पड़ जाते हैं, तो वही मैं इनको रोज साफ करती हूँ। उसके बाद उनको नहलाते हैं और उसके बाद फिर नए कपड़े पहनाते हैं। मतलब छठी के दिन तो नए कपड़े ही पहनाए थे। येलो ड्रेस आई थी, इनका खूब सुंदर था, इनके ऊपर बहुत खिलकर आ रहा था। जो जन्माष्टमी पहनाया था उनसे ज़्यादा और खिलकर आ रहा था येलो कलर। तो यही मैंने इनको नहलाया। उसके बाद इनको तौलिए से पोछा, इनको साफ किया। उसके बाद मैंने इनको ये येलो कपड़े पहनाए थे, अभी आप लोग आगे देखेंगे, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखिए, आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा आपको माधव का ड्रेस, और कैसे लगे माधव, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये है वो सुंदर सा ड्रेस जो मैंने उनके लिए लेकर आई थी, ऋषिकेश से ही पहले ही लेकर आई थी। अगर आप लोग ऋषिकेश से हैं, तो अगर आप लोगों को ड्रेसेस चाहिए तो ऋषिकेश में ही है, माँ अम्बे ट्रेडर्स नाम से त्रिवेणी घाट पर है। बहुत ही सुंदर ड्रेसेस मिलती है वहाँ पर, और सारे आपको कृष्ण जी से जितने भी रिलेटेड सामान है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, बल्कि और भी भगवान का सामान आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। और बहुत ही सुंदर, मतलब सारे ड्रेसेस बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। कोई सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसके बाद मैंने घर में पूजा की, हनुमान जी की पूजा की और सब वहाँ दिया जलाया मंदिर में। उसके बाद मैं रेडी होकर गई थी, मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत एक दिन पहले बुखार उखार हो गया था, फीवर हो गया था उसे, तो वही हम लोग गए थे उसको हम दोनों लेकर डॉक्टर के पास। बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, फीवर आता था, तो हम लोग ही खुद हमारी बॉडी अजीब हो जाती है, तो बच्चा तो छोटा सा है, वो क्या ही बता पाता, तो वो भी बहुत ही रोई थी रात भर, भर वो परेशान थी, तो हम लोग भी थोड़ा परेशान थे उसकी वजह से, सो नहीं पाए थे। तो वहीं हम लोगों ने इसको फिर रेडी किया तुरंत और लेकर गए फिर डॉक्टर के पास। जब हम नीचे जा रहे थे तो वहाँ छठी की तैयारी हो रही थी, आधा तो ऑलमोस्ट रात को ही डेकोरेट हो गया था, बस जो बैलून्स हैं वो सुबह भैया लगाने आए थे, आंटी लोगों ने बुलाया था, तो वही लगाने आए थे। फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गए थे तो तब तो नहीं था इसका फीवर, तो डॉक्टर ने से दवाई लिख के दी मेडिसिन की कि आप लोग ये दे लीजिए अगर आपको मतलब फीवर आता है तो हम लोगों ने ये मेडिसिन ली। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। जब बच्चों को छोटा है ना तो मन नहीं लगता किसी भी काम में, तो बस लगता है कि जल्दी से उसको वो ठीक हो, तब कुछ लगता है, तब कुछ अच्छा भी लगता है। तो बस ये यूज कर रहे थे डॉक्टर के पास। फिर हम जब लोग वापस आए वहाँ से तो ऑलमोस्ट सारे बैलून्स लग चुके थे, डेकोरेट हो चुका था, तो वही हमने मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद मैं अपने वापस घर में चली गई थी, क्योंकि मुझे भी बनाना था खाना। इस दिन चावल कढ़ी ज़रूर बनता है, तो वही मैंने कढ़ी तो बना लिया था, फिर चावल लग गए थे, फिर मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी और रायता बना था। इस वक्त पिछले साल तो मैंने और भी चीज़ें बनाई थी, लेकिन इस साल तीन या चार भूख लग जाएंगे पट्टू गोपाल को, क्योंकि थोड़ी तबीयत की वजह से मन अजीब हो गया था, कि थके हुए भी थे, तो बस यही चीज़ भूख लगाया था और उनको खिलाया, उनको भूख लगाया। इसको इनको खिलाने के बाद मैं चली गई थी नीचे, नीचे भी कीर्तन था, आपको मैंने देखा ही डेकोरेशन में, बहुत ही सुंदर वहाँ डेकोरेट हुआ था और सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे जब मैं नीचे गई तो, और बहुत ही मज़ा आया था। तो देखिए पूरा ब्लॉग, बताइए कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।
हैं।